अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे SQL की सिलेक्ट ऑल स्टेटमेंट क्या है या सिलेक्ट ऑल कमांड क्या है। आप इसका जो सिंटैक्स देख रहे हैं ये आपको जाना पहचाना ही लग रहा होगा क्योंकि हम ये पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। ये हम इंसर्ट स्टेटमेंट जब यूज़ करते थे तब इनको यूज़ करते आ रहे थे। मैंने आपको कहा था कि हम आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, यूज़ स्टार साइन टू गेट अ कम्प्लीट लिस्ट ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। हम जो स्टार साइन की यूज़ करते हैं इसका मकसद है ऑल। इसका मकसद ये हो गया कि अगर आप जब भी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार साइन देकर फ्रॉम टेबल का नेम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास सारी की सारी स्टूडेंट टेबल में जो भी आप टेबल का नेम दे रहे हैं उसमें जो भी डेटा होगी वो सारी की सारी हमें रिट्रीव करके देगा या वो सारी की सारी हमें डिस्प्ले कर देगा, शो कर देगा, जैसे कि हम पहले एग्जांपल में करते आ रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट हमने पढ़ा था, इससे पहले जो हमने कमांड पढ़ी थी वो क्या करता था कि स्पेसिफिक कॉलम्स की डेटा हमें रिट्रीव करता था। अगर हम चाहें तो नेम, तो सिर्फ नेम की रिट्रीव करेगा, सो ऑन इसी तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो यहाँ पर मैं CMD में आ गया हूँ, CMD मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका लिखेंगे हमारी यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए लिखेंगे यूज़ माई DB जो हमारा डेटाबेस है। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, सर मैसेज आ गया है चेंज। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम टेबल भी बना चुके हैं, हर चीज़ कर चुके हैं। उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, लास्ट में हमने सेमी कॉलम दे दी। अब देख सकते हैं हमारे पास सारी की सारी डेटा शो कर रहा है स्टूडेंट टेबल की। तो उम्मीद है ये तो आपको पहले ही आ गया होगा क्योंकि हमने ये पहले ही कर लिया था, आप भी तो हमने बस एज अ टॉपिक इसको समझ लिया है जिसमें सारी की सारी डेटा शो कर रहा है। यहाँ पर लिख के आ गया 9 रोज इन अ सेट जिसने हमें 0.22 सेकंड्स लिए हैं। तो आज हमने जो पढ़ा था वो था सिलेक्ट ऑल स्टेटमेंट, लेकिन हमने पिछले वाली जो ट्यूटोरियल में पढ़ा था उसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे। वो किस तरीके से कर रहे थे, हम लिख रहे थे सिंपली सिलेक्ट, हम कोई स्पेसिफिक कॉलम का नेम, जैसे कि नेम दे दिया मैंने, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है सिर्फ कॉलम की रिट्रीव कर रहा है, लेकिन अभी हम सिलेक्ट ऑल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बस सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा सिलेक्ट ऑल कमांड के बारे में, आगे आने वाली वीडियोज़ में सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।